डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो नर जननतंत्र रहेगा और दूसरा मादा जननतंत्र रहेगा। तो दोनों को पहले अपन चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए पहले तो नर जननतंत्र का चित्र में ड्रॉ करना हो। नर जननतंत्र के लिए पहले सामान्य शरीर की संरचनाओं को बनाएंगे। ये पीछे का भाग जिसको नितंब कहते हैं और ये नीचे पैरों की संरचना इस प्रकार से रहेगी। इधर नर में इस भाग के बाद में नर जनन संरचना में शीशन का चित्र रहेगा और शीशन के चित्र के जस्ट नीचे की तरफ इधर की तरफ वृषण का चित्र रहेगा। वृषण के अंदर की तरफ संरचनाएं जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण होगा वो संरचनाएं बनाएंगे। तो इधर की तरफ यहाँ अधिवृषण नामक संरचनाएं पाई जाती है। ये अधिवृषण संरचनाएं रहेगी इस प्रकार से और अधिवृषण के अंदर की तरफ पाए जाते हैं वृषण। तो ये वृषण और वृषण के अंदर की संरचना जिसको अपन अधिवृषण के नाम से जानते हैं, तो ये संरचना इसके अंदर की तरफ पाई जाती है। वृषण की संरचना के ऊपर की तरफ अधिवृषण, ये बाहर का जो आवरण है जिसके अंदर वृषण सुरक्षित रहते हैं इसको वृषण कोश कहते हैं। ये नीचे की तरफ पैर की संरचना हो जाएगी। अब वृषण के ऊपर की तरफ की संरचनाओं को अगर देखें यहाँ तो यहाँ पे शीशन रहता है और शीशन दोहरी आवरण झिल्लीनुमा संरचना के रूप में और वृषण का आगे का भाग जिसको कहते हैं शीशन मुंड, ये शीशन मुंड इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ से ऊपर की तरफ मूत्राशय की संरचना क्लियर करेंगे। ये मूत्राशय इस प्रकार से यहाँ पाया जाता है। मूत्राशय में यहाँ से नली इस प्रकार खुलती है। ये सीसन इस सीसन के बीच में से नली खुलती है जिसे मूत्र जनन छिद्र के नाम से जानती है। ये मूत्र जनन मार्ग दोनों छिद्र के रूप में एक ही नली काम करती है। तो ये नली रहेगी यहाँ से। इस नली के बाद में यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि का नाम है प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। यहाँ बीच में एक हल्की सी मैं ग्रंथि बना रहा हूँ और इस ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में ये मार्ग यहाँ से आकर के मूत्र मार्ग भी इसी में खुलेगा। ऊपर से जो मूत्राशय का मार्ग यहाँ इसी नली में खुलेगा और इस नली में खुलने के बाद में ये नली आगे की तरफ जाएगी। आगे की तरफ जैसे ही जाती है तो यहाँ पे एक छोटा सा अंग और उपस्थित होता है जिसको कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय के बाद में ये नली इस प्रकार से खुलती है यहाँ और आ जाती है वृषण के अंदर। ये वृषण की संरचना, तो ये नली यहाँ से होकर के और वृषण में आ जाती है। ये संरचना वृषण के अंदर प्रवेश कर जाती है और इन संरचनाओं के अंदर ये अंग रहेगा, इसको कहते हैं प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। प्रोस्ट्रेट ग्रंथि के बाद में ये जो अंग रहता है इधर की तरफ, इसका नाम है शुक्राशय। शुक्राशय के ऊपर की तरफ ये जो संरचना है इसके अंदर आकर के यहाँ से मूत्र वाहिनियां खुलती है। मूत्र वाहिनियां जो कि किडनी से आती है, तो मूत्र वाहिनियां किडनी से आने वाली भी इसी के अंदर खुलती है और ये जो पूरी संरचना तमक चित्र रहेगा इसको कहते हैं मूत्राशय। तो ये मूत्राशय रहेगा। मूत्राशय के अंदर मूत्र इकट्ठा होता रहता है और मूत्र इकट्ठा होने के बाद में ये जाकर के मूत्र जनन मार्ग के रूप में मनुष्य के शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है और प्रक्रिया का नाम मूत्रण प्रतिवर्त है। वो अपन उत्सर्जन तंत्र के अंदर ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये मूत्राशय, मूत्राशय के बाद में ये मूत्र मार्ग और ये यहाँ से जनन मार्ग, दोनों मार्ग साथ में खुलेंगे। ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि और ये यहाँ पे शुक्राशय ग्रंथि। ये यहाँ पे भाग रहेगा जिसको वृषण के नाम से जानते हैं। इन भागों को थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। ये यहाँ पे रहेगा शीशन जो मानव का मुख्य जनन तंत्र के अंदर कार्य करने वाला अंग है और इस शीशन के अंदर की तरफ नली दिख रही है। ये मूत्र और जनन दोनों मार्गों के रूप में एक उभय मार्ग के रूप में भी कार्य करती है और ये शीशन के ऊपर की तरफ आवरण पाया जाता है मुंड के ऊपर। इस प्रकार से ये नर जनन तंत्र की संरचना हो जाती है। अब इसका नामकरण करते हैं। नामकरण के अंदर इस नली का नाम देखेंगे मूत्र
वाहिनी, मूत्र वाहिनी रहेगी। इसके बाद में ये अंग, इस अंग का नाम मैं यहां से दिखा रहा हूं, इस अंग का नाम है मूत्राशय। ये मूत्राशय रहता है, मूत्राशय की क्षमता 700 से 800 मिलीलीटर होती है, इतना इतना यूरिन इसके अंदर कलेक्ट रहता है। और उसके बाद में मूत्रण प्रतिवर्त क्रिया के माध्यम से, मूत्रण प्रतिवर्त क्रिया के माध्यम से मूत्र को शरीर से बाहर त्यागा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये यहाँ पे जो अंग रहता है, इस अंग का नाम शुक्राशय है। तो ये अंग जिसका नाम शुक्राशय, शुक्राशय के बाद में ये नीचे की तरफ का अंग, इस छोटी सी अंग या ग्रंथि को कहते हैं प्रोस्ट्रेट ग्रंथि, प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। और प्रोस्ट्रेट ग्रंथि से त्रिवेणी संगम होता है, यहाँ से ये नड़ी मिलती है, यहाँ से ये नड़ी मिलती है, और ये नड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है। दो नड़ियां ऊपर से मिलती है, एक नड़ी आगे बढ़ती है। इस भाग में यहाँ इसको कहते हैं स्खलन नलिका। तो यहाँ से ये हो जाएगी इजेकुलेटरी, इजेकुलेटरी या फिर इसको कहते हैं स्खलन नलिका, स्खलन नलिका। और ये स्खलन नली के अंदर इधर से वीर्य मार्ग और शुक्राणु मिलते हैं, और इधर से मूत्र मार्ग का सिस्टम आकर के मिलता है, जिसको सम्मिलित रूप से स्खलन नलिका कहते हैं। इसके बाद में इन संरचनाओं पे आ जाते हैं, तो ये अंदर की जो संरचना है इसे कहते हैं वृषण। वृषण मानव शरीर में दो पैरों के बीच में सीसन के नीचे की तरफ संख्या में दो पाए जाते हैं। इसके ऊपर की तरफ ये जो संरचना इधर की तरफ से दिखाई दे रही है, इस संरचना को यहाँ से कहते हैं अधिवृषण। तो ये यहाँ से अधिवृषण की संरचना रहेगी, मैं यहाँ से इसका नामकरण दिखा रहा हूँ, तो नाम रहेगा इसका अधिवृषण। अधिवृषण के बाद की बात करें तो ये जो आवरण जिसमें वृषण खुद सुरक्षित रहता है, तो इस आवरण को कहते हैं वृषण कोष, वृषण कोष। वृषण कोष के बाद की तरफ ये बात करें तो ये जो भाग रहेगा इसका नाम है सीसन, जिसको पेनिस कहते हैं, पेनिस। और सीसन के बाद में ये जो आगे का भाग रहेगा इसे कहते हैं सीसन मुंड, सीसन मुंड। इस प्रकार से ये नर जनन तंत्र की संरचना, आप इसकी क्रिया प्रणाली देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वृषण से। वृषण दो काम करता है, जैसे ही किशोरा अवस्था आती है तो इस वृषण के अंदर एक तो शुक्राणु बनने प्रारंभ होते हैं, शुक्राणु जो कि नर युग्मक के रूप में कार्य करता है। शुक्राणु के साथ साथ इस वृषण से हार्मोन बनता है, और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्प्रेरित करता है। जैसे अपन बात कर चुके हैं किशोर अवस्था के अंदर, तो त्वचा का तेल ये होना, या फिर विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होना, दाढ़ी मूंछ का उंगना, जनन अंगों का विकसित होना, शुक्राणुओं का निर्माण होना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होना, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण, ये सारी चीजें यहीं से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होती है। तो ये वर्षण रहता है, वर्षण के अंदर बनते हैं शुक्राणु। शुक्राणु में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो वृषण है ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं, तो इसका अपन आंसर देते हैं वृषण के अंदर बनते हैं शुक्राणु, और शुक्राणु बनने के लिए औसतन 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अपनी बॉडी का तापमान होता है 37 डिग्री, जबकि शुक्राणु बनने के लिए चाहिए 35 डिग्री। शरीर के अंदर का ताप ज्यादा है, बाहर का ताप कम है, शुक्राणु बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए मनुष्य के वृषण शरीर में नहीं होकर के शरीर से बाहर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से बनते हैं शुक्राणु। शुक्राणु बनने का बनाने का जो कार्य करती है वो कोशिका यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसको ICSH कहते हैं, इंटर स्टिमुलेटरी हार्मोन। और ICSH के रूप में जो कोशिका यहाँ से निकलती है, ये नली यहाँ से निकलती है, और ये नली शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है, इसलिए इस नली का नाम है शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी रहेगी नली, और ये शुक्रवाहिनी के माध्यम से यहाँ शुक्राणु में निर्माण की प्रक्रिया के बाद में वृषण से ये शुक्राणु बारात लेकर के इधर से रवाना होते हैं, और यहाँ से जाकर के पहुंच जाते हैं शुक्राशय में। इधर की तरफ अंग आता है, यहाँ पे शुक्राणु विश्राम करते हैं, इसलिए शुक्राशय को शुक्राणुओं का रेस्ट हाउस कहते हैं। यहाँ इस शुक्राशय के अंदर से येलो कलर का एक मेटीरियल बनता है, जिसको वीर्य कहते हैं, और ये वीर्य शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के साथ साथ में एनर्जी प्रदान करता है,
तो ये बनने वाला वीर्य शुक्राणुओं को दो काम प्रदान करता है, एक को एनर्जी प्रदान करता है और एनर्जी के साथ में इनको मोशन या गति प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे ही वीर्य और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो आगे की तरफ गति करते हैं, इधर से मूत्र मार्ग खुलता है और इधर की तरफ एक ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, इन दोनों ग्रंथियों का स्त्राव आगर के मिलता है और फिर जाता है इस ग्रंथि में प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट ग्रंथि में फिर वीर्य बढ़ता है, लेकिन यहाँ वीर्य और यहाँ मूत्र मार्ग दोनों मिलने के कारण इस नली को स्खलन नलिका कहते हैं। मूत्र और वीर्य को संयुक्त रूप से एक ही सीसन के माध्यम से बाहर त्यागा जाता है। सीसन सामान्यतः बेलनाकार और लंबा अंग है, ये सामान्य अवस्था में शिथिल अवस्था में रहता है और मूत्र त्याग करने की प्रक्रिया को निभाता है, लेकिन जनन के समय, मैथुन के समय, सेक्स के समय ये उत्थान अवस्था में आकर के नर के जनन या युग्मक शुक्राणुओं को मादा के जनन तंत्र में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से इसके अंग रहते हैं। वापस देख लीजिए यहाँ से, तो ये यहाँ पे रहेगा वर्षण, ये ऊपर की तरफ रहता है अधिवर्षण।